कोरबा जिला के अधिवक्ता संघ मन अपन तीन सूत्रीय मांग ले के कोरबा कलेक्टर सौरभ कुमार ला मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे है। अधिवक्ता संघ मन के कहना है कि राज्य सरकार पाछू चार बछर ले हमन के मांग ला लेके लटका रखे है। मुख्य मांग प्रोटेक्शन एक्ट ले के है, जिन हर मर्तबा सरकार ला अवगत कराए के बावजूद समाधान नहीं करे जावत है। ये मर्तबा मांग पूरा नहीं करे जाही ता 25 अगस्त के पुरजोर आंदोलन करे जाही, जेकर जवाबदारी शासन प्रशासन के हो ही। जो हमारे तीन सूत्री मांगे हैं, अधिकता प्रशासन एक्ट और 10 लाख मिट्टी दावा एवं बीमा स्वामिक बीमा उसके संबंध में दिया गया है। ट्रैक्टर साहब ने इसको दिया है को ऐसे यहाँ से मुख्यमंत्री को ज्ञापन मांग सौंपे है और तेरा सूची की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे उस समय अधिवक्ताओं ने मांग की थी, जिसके घोषणा पत्र में शामिल किया गया था और माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वादा किया था कि वह कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेंगे, अधिवक्ताओं का जो 3 लाख मृत्यु दावा राशि मिलती है उसको बढ़ा के 10 लाख रुपये करेंगे, साथ ही जो निःशुल्क चिकित्सा जो है सुविधा 10 लाख रुपये की वह देंगे, ऐसा वादा उन्होंने किया था। विगत 4 वर्षों में सरकार ने हमारा वादा भूल गई, तो हमारी बातों को पूरा नहीं किया, मांगों को पूरा नहीं किया, जिसके विरोध स्वरूप आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जितने भी अधिवक्ता संघ हैं सभी जगह प्रथम चरण में आज ज्ञापन दे रहे हैं और उसके पश्चात भी अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो 25 तारीख को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता आक्रोश रैली निकालेंगे।